हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग हैप्पी, हेल्दी और फिट होंगे, और मैं भी एकदम बढ़िया से हूँ। देख रही थी ये कि मेरा माइक ऑन है कि नहीं ऑन है। तो फ्रेंड्स, आइए आज हम बनाते हैं मिक्स वेजिटेबल्स। और सब लोग, मिक्स वेजिटेबल बहुत आम है, मतलब सब लोग मतलब मोस्टली लोग बनाते ही हैं मिक्स वेज। शादियों में भी बहुत बनती है, लेकिन जिस तरह से मैं बनाती हूँ उस तरह से आप बनाएंगे तो उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। तो से पहले नज़र डालते हैं उन वेजिटेबल्स में जो जो मैं डालने वाली हूँ, जो मेरे पास अवेलेबल थी और वही मैंने डालनी है। अगर आपके पास इसके अलावा भी वेजिटेबल हो तो भी आप डाल सकती हूँ। तो देखिए मैं क्या वेजिटेबल तो मैंने ली है। फूल गोभी, ये गोभी मेरे पास ज़्यादा पड़ी थी तो मैंने थोड़ी ज़्यादा ले ली। शिमला मिर्च मैंने सिर्फ एक ली, और ये मैंने हरे मटर लिए। इसको मैंने माइक्रोवेव में 5 मिनट तक बॉईल कर लिया है, क्योंकि मटर कच्चे रह जाते हैं तो मुझे अच्छे नहीं लगते। और ये एक गाजर ली है। इसके अलावा एक आलू लिया है जिसे मैंने काट के पानी में भिगोया हुआ है। और ये 4-5 मशरूम ले लिए। इनको मैंने ज़्यादा छोटा नहीं काटा, क्योंकि मशरूम बहुत छोटी सी हो जाती है जब बन जाती है। तो इसके अलावा मैंने ये पनीर लिया है, जिसको मैंने हल्का सा सॉटे करके, मतलब हल्का सा शैलो फ्राई कर लिया है, क्योंकि कच्चा डालेंगे तो वो टूट जाता है। ये दिखाती हूँ, ये मैंने इसमें ही एक प्याज को बारीक बारीक कर लिया है। ये छोटा सा टुकड़ा अदरक का लिया है। ये 5-6 कलियाँ लहसुन की ली है। ये 4-5 हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च से मुझे बहुत प्यार है। हरी मिर्च में जब तक सीसी का फ्लेवर ना आए तो मुझे मज़ा नहीं आता। तो ये धनिया है जो मैं बीच में डालूंगी। थोड़ा थोड़ा येलो हो गया है, लेकिन ये बीच में ही डालना है फ्लेवर के लिए। इसमें डालने के लिए मैंने 2 छोटे टमाटर लिए हैं, और साथ में ये कश्मीरी लाल मिर्च लिए हैं 2, जिसको मैंने माइक्रोवेव में थोड़ा सा पानी में डाल के हल्का सा उबाल लिया है। अब इसका पेस्ट बनाऊंगी, जिससे कि कलर बहुत ही अच्छा आएगा। तो हम शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। गैस की फ्लेम ऑन कर दी है। पैन में मैंने 2 बड़े चम्मच सरसों का ऑयल डाल दिया है। उसके गर्म होने की इंतज़ार कर रही हूँ। ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है। सबसे पहले इसमें जो 1 चम्मच ज़ीरा है उसको चटका लेते हैं, और साथ में ही 2 चुटकी हींग डालेंगे, जिससे कि इसका जो स्मेल है वो बहुत अच्छी आएगी। अब जो लहसुन अदरक काट के रखा है वो भी दोनों इसमें डाल देंगे, हल्का सा सॉटे करेंगे। और उसके बाद जो हमने प्याज को बारीक काट के रखा है उस प्याज को इस मसाले में डालेंगे, और उसको हल्का हल्का कलर बदलने तक उसको ब्राउन करेंगे। मतलब पूरा ब्राउन नहीं करना, हल्का सा कलर बदलने तक उसको हिलाते रहेंगे। अब देखिए प्याज का कलर काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। पूरा ब्राउन नहीं होने देना, हल्का सा कलर चेंज होने देना। अब साथ ही जो टमाटर की प्योरी बनाई है, जिसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, इसका कलर बहुत सुंदर हो गया। अब ये इसमें डाल देंगे। इस टमाटर के पानी को हमको थोड़ा सा सुखाना है, पूरा नहीं सुखाना है, हल्का सा चला लेना है, सुखाना नहीं है। अब कटी हुई हरी मिर्च इसमें डाल देते हैं। साथ में जो धनिया पत्ती काट के रखी थी वो भी डाल देंगे, ताकि सब्जी में धनिया का फ्लेवर आए। अब 1 बाय 1 करके हम सारी की सारी वेजिटेबल इसमें डालेंगे। सबसे पहले ये कटे हुए आलू मैंने इसमें डाल दिए 30 सेकंड सॉटे करने के बाद। मैंने फूल गोभी इसमें डाल दी, फूल गोभी को भी 30 सेकंड तक सॉटे करने के बाद। गाजर डाली है, और गाजर के बाद मैंने इसको सॉटे किया है। और इसको फिर मैंने मशरूम डाली है। मशरूम डालने के बाद मैंने इसमें डाली है उबली हुई हरी मटर। तो अब रह गई है सिर्फ शिमला मिर्च। शिमला मिर्च थोड़ी सी टेंडर होती है, तो सबसे लास्ट में हम शिमला मिर्च को ऐड करेंगे। अब बारी है सारे मसाले डालने की। तो अब हम सबसे पहले इसमें हल्दी डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे। और लेकिन इतना ध्यान रखना है कि इसमें जो गरम मसाला है वो बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में डालेंगे। मतलब आधी चम्मच मैंने सिर्फ डाला है गरम मसाला, और 1 चुटकी मैंने डाली है काली मिर्च। इतना ही डालना है। अब बारी है इसमें कसूरी मेथी ऐड करने के लिए। मैंने 3-4 चम्मच कसूरी मेथी के रखे हैं, इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसको ढककर रख देंगे, और बीच में मैंने आके इसे चेक करा एक बार, मतलब हिलाना ज़रूरी है, नहीं तो सब्जी नीचे लग जाएगी, तो इसलिए मैंने हिला के देखा है। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को पकाने का पूरा टाइम है 10 मिनट। 10 मिनट के बीच में हमको 2-3 दफ़ा इसको चेक करना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो सब्जी नीचे लग जाएगी और थोड़ी जल जाएगी। तो हमको इसलिए इसको चेक करना बड़ा ज़रूरी है। ये पूरे 10 मिनट बाद मैंने सब्जी को चेक करा, तो सब्जी पूरी तरह से गल भी चुकी है और उसका कलर भी अच्छा आ गया है। तो अब इसमें जो मैंने शैलो फ्राई करके पनीर रखा है वो बीच में डाल देते हैं, और पनीर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि मसाला सारा पनीर के ऊपर भी आ जाए। और इस तरह से पनीर जब मिक्स हो जाएगा तो इसमें लास्ट में इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट डालना है, जो कि है मैगी मसाला। मैगी मसाले का एक पाउच लेके मैंने इसमें डाल दिया है, जिससे कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसलिए इसमें गरम मसाला थोड़ा मैंने कम डाला था। अब बारी है क्रीम डालने की। थोड़ी सी इसमें 2 चम्मच मैंने
फ्रेश क्रीम डाल दी है और अब इसको बोल में ट्रांसफ़र करते हैं। तो अब इसको बोल में डाल रही हूँ मैं और देखिए बड़ा अच्छा सा कलर आया है और मुझे बहुत लालच आ रहा है क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी खुशबू भी आ रही है और देखने में भी बहुत लाजवाब लग रही है। अब मैंने इसको क्रीम डाल के थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है, ऊपर से धनिया पत्ती भी लगा दी है ना लाजवाब। इतनी मेहनत के बाद खाना बनाओ और उसके बाद खाने का जो मजा आता है ना उसका तो कोई जवाब ही नहीं। तो ये है मेरी मिक्स वेज। फ्रेंड्स मेरी जो कसूरी मेथी थी ना वो थोड़ी सी डार्क कलर की थी, आप इतने डार्क कलर की कसूरी मेथी मत डालिए, अगर कसूरी मेथी ग्रीन कलर की है तो ही डालिए। सूखी की सब्जी के साथ रायता खाना तो बनता ही है, तो मैंने बूंदी का रायता साथ में डाला है और इसके साथ में खाना एंजॉय करूंगी। चपाती पे घी जरूर लगाइए, घी के बिना चपाती खाने में कोई मजा नहीं है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं, मैंने बहुत तीखा बनाने की कोशिश करी है। मेरी जबान ना एक एक मसाले का फ्लेवर ले सकती है, धनिया का भी स्मेल आ रही है बहुत अच्छी सी जब खाओ, कसूरी मेथी की भी आ रही है और मैगी मसाला तो लाजवाब। तो आप भी बनाइए और मजे से खाइए। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही मेरा आज का रेसिपी व्लॉग जो है यहीं पर एंड होता है। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ, तो तब तक आप अपना अच्छा सा ख्याल रखिए और मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, लव यू ऑल।